स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं पहुंच चुका हूं बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह पे, जो कि अनंतपुर साहिब से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आपको यहाँ के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। और मैं यहाँ पर अपने भाइयों के साथ आया था, जितेंद्र और अवतार के साथ, और हम यहाँ पर सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो यहाँ पर इतने लोग अभी आए नहीं थे। तो आप देख सकते हैं अंदर का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता जाऊंगा यहाँ के सेवादार हैं जो आपको 20-20 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जो संगत होती है उनको बताते हैं। तो हम उनके ही मुँह से यहाँ की हिस्ट्री सुनेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। पर तो देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं मूर्तियाँ कितनी अच्छी बनी हुई हैं, शेर की, बकरियों की। यहाँ पर बहुत तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं अच्छी अच्छी और फाइनली वो टाइम आ गया है जो यहाँ के सेवादार है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए उनकी जुबानी यहाँ की हिस्ट्री सुनते हैं। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ।
ਹੈ ਅੰਤਰ ਸਮੇਂ 809 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਵਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਵਾਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਬਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ तो यहीं से आज का व्लॉग जो है हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको किसी और नई जगह और नए एडवेंचर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।